बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने एक स्नैपचैट फिल्टर का उपयोग कर अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को एक प्यारी सी बच्ची में बदल दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक फोटो मैसेजिंग एप्लीकेशन में एक ऐसा नया फिल्टर को लाया गया है जिससे एक इंसान की तस्वीर को एक बच्चे में तब्दील कर देती है। हाल ही में कांच में दीपिका ने एक लाइम ग्रीन कलर की ड्रेस में नजर आई थी। रणवीर ने दीपिका की इसी तस्वीर को पोस्ट किया लेकिन एक ट्वीट के साथ। उन्होंने इस तस्वीर में बेबी फिल्टर का उपयोग कर दीपिका को एक बच्ची में बदल दिया। इस तस्वीर में कैप्शन में रणवीर ने कई इमोजी का प्रयोग किया और इसमें दीपिका को टैग भी किया। पिछले साल इस स्टार जोड़ी ने इटली के लेक कोमो में शादी रचाई थी। काम की बात करें तो रणवीर अभी अपनी आने वाली फिल्म 83 की तैयारी में व्यस्त है। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 1983 के विश्व कप में वेस्ट इंडीज को हराया था। रिलायंस एंटरटेनमेंट इस फिल्म को प्रस्तुत कर रही है और इसे कबीर खान निर्देशित कर रहे हैं। यह फिल्म 10 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी। आपको कैसी लगी ये क्यूट फिल्टर वाली तस्वीर दीपिका की? For latest updates, subscribe our channel and press the bell icon.